हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर हिमालयन सोल टशी डलेक। अगर आप कभी डलहौजी घूमने आए होंगे और डलहौजी की गर्म सड़क पे खासकर अगर आपने कभी सफ़र किया होगा तो आपने ये आकृतियाँ ज़रूर देखी होंगी। जो टिबेटन बुद्धिज़्म है उनकी ये आकृतियाँ आपने ज़रूर देखी होगी। तो आज मैं आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाऊँगा जो इन आकृतियों को, इन जो ये लिखे हुए हैं टिबेटन मंत्र, इनको जो प्रिजर्व करते हैं, उन लोगों से मैं आपको आज मिलवाता हूं। नमस्ते, मेरा नाम तेजी डोदे है और ये मेरा फ्रेंड है तेजी दिले, और ये नीचे आप देख रहे हैं तेजी थुकजी। तो यहाँ पे डलहौजी में आप अगर गर्म सड़क की तरफ से आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी मंत्र आपको देखने को मिल जाएगा, पेंटिंग देखने को मिल जाएगा जो टिबेटन बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। जो बुद्धिज़्म जो है वो तो आपको पता ही है कि भारत से ही आए हुए हैं, और ये जो यहाँ के जो मंत्र है वो थोड़े मतलब अभी धुंधले जैसे हो गए थे तो हम उसको रिनोवेट करने के लिए आए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो इस पे लिखा है ओम बेंजा साते हूँ। ये खरा था हम टिबेटन में वो बोलते हैं छाना दोर्जे, उनके छाना दोर्जे का इंडियन का इंडियन में मतलब है छा मतलब हैंड में, दोर्जे मतलब वज्र, हाथ में जो वज्र लेते हैं, तो ये इनका मंत्र है। तो वैसे आपको यहाँ पे डलहौजी में आप अगर गर्म सड़क की तरफ से चलोगे तो ऐसे काफ़ी सारे दिखने को मिल जाएंगे। जो है ये तो काफ़ी पुराने मंत्र है, वो एक बुजुर्ग थे, अभी उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो अभी धर्मशाला में है, वो ओल्ड होम एज में है, उन्होंने लिखा था ये 1960s में लिखा होगा। हम उनको प्रिजर्व कर रहे हैं एक तरफ से। जय हो चौचला टशी डलेक।